में पूरी सभा की ओर से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये जो कल रियासी में के अंदर जो है दुर्घटना हुई जिसमें हमारे यात्रियों को जो है उनका नरसंहार किया गया, उसके विरोध में उस रोष प्रकट करने के लिए आज यहाँ सनातन धर्म सभा के ये तमाम मेंबर इकट्ठे हुए हैं। और पूरे पूंछ, जबकि पूरे विश्व में बल्कि पूंछ पूरे में भी इस बात का आज रोष प्रकट हो रहा है कि ये जो ऐसे नरसंहार जो है पिछले कई सालों से हो रहे हैं, इसको किस प्रकार रोका जाए। हमारे इस आपके इस माध्यम से हमारी सनातन धर्म सभा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन J&K LG की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और भारत की जो आप सरकार करती है कि इस प्रकार के जो नरसंहार हैं उनको जितनी जिस प्रकार भी रोका जाए और उन लोगों को एलिमिनेट किया जाए जो इसमें शामिल हुए हैं। हम अब आने वाले हमारे जो पर्व हैं उसके बारे में, जैसे कि अमरनाथ जी की यात्रा है, बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है, और इस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये यात्राओं का दौर जो है वो चलने वाला है। ये खतरा जो वहाँ भी मंडरा रहा है, मैं आशा करता हूँ कि पूरे के पूरे जो है वो सुचारू रूप से काम किया जाना चाहिए ताकि इस किस्म के जो है वाकया जो है दोबारा ना हो। अच्छी हुई उससे कितना कश्मीर के लोगों को नुकसान हुआ, वहाँ की इकोनॉमी शटर हुई, सब कुछ हुआ, तो सब कश्मीरी को पता लग गया है। आज की डेट में ये जो मॉडस ऑपरेंडी एक चेंज करके इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने डिस्ट्रिक्ट पुंछ और रजौरी को हिट करना शुरू किया है, इसके ऊपर बहुत बड़ी एक हमारी गवर्नमेंट, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को काम करने की ज़रूरत है। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो लोकल यहाँ के हम लोग आपस में भाईचारे की बहुत बड़ी बात करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन जो हमारे ये जो सो कॉल्ड लोग हम आपस में बड़ी एक गुलदस्ता बना के बैठते हैं, स्टेज पे बातें करते हैं, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ऐसा सिस्टम होता है वहाँ पर ये बड़ी बढ़ चढ़ के हम बात करते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा और मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को ही हिट किया जा रहा है, पिलग्रिमेज जो हमारे यात्री लोग आ रहे हैं उनको हिट किया जा रहा है। ये जो लोग, ये जो गुलदस्ता और ये जो गंगा जमुनी हमारी सभ्यता की बात लोग करते हैं, इनको स्टेज छोड़ के गांव-गांव में जाके इस चीज़ का प्रचार करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी अगर कोई लोग को शक शुबा वाले हैं, क्योंकि लोकल जब तक शेल्टर नहीं मिलता तब तक ये इतनी बड़ी घटना करना एक असंभव बात है। ये बड़ी एक सीधी सी बात है, ये हर एक आदमी को इसका पता है कि लोकल कहीं ना कहीं शेल्टर मिला होगा। इतनी बड़ी प्लानिंग, इतनी बड़ी एम्बुश लगा के उन्होंने एक बस को चेज करके लोगों को मारा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, LG गवर्नमेंट को भी, कि इसके ऊपर बहुत बड़ा एक बड़ी वाइड रेंज के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के इसके ऊपर स्ट्राइक करना चाहिए। और मुझसे पहले पूरी साहब ने संक्षेप में आपको बता दिया कि हम आज हम किस विषय के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब भलीभांति परिचित हैं कि लगभग पिछले साल ही रजौरी डांगरी के अंदर एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, उसके बाद रजौरी आर्मी के पास एक युवा जो थे उनको गोली लग गई, BG के पास हमारे आर्मी वाले जो हैं उनको किस तरीके से वहाँ पर शहीद किया गया, उसके बाद बफलियाज के अंदर एक बहुत बड़ा नेट था जिसमें आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन आज तक हमारी फोर्सेस जो है इनके तह तक नहीं पहुंच पाई। मैं LG हुकूमत से इस बात की गुजारिश करूंगा और DG साहब से ये गुजारिश करूंगा कि हमारी जो जहां पर कोई स्कोपी लैब्स है उसको ठीक किया जाए, और आए दिन ये मिलिटेंट जो है वो अपनी एक हाजिरी देकर चले जाते हैं, हमारे लोगों को मार कर वो चले जाते हैं। ये बात ठीक है कि चाहे वो पुलिस है, आर्मी है या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनकी वजह से मिलिटेंसी को कुछ हद तक वो उसको कमज़ोर करने में, उसको ख़त्म करने में हमारी फोर्सेस ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन अभी इनकी तह तक पहुंचना और इन सब का नाश करना जो है वो ज़रूरत है। मैं केंद्र सरकार से भी ये बात जरूर कहूँगा कि उन्होंने मिलिटेंसी के लिए एक सख्त कानून जो है वो बनाना चाहिए। जब तक कोई सख्त कानून मिलिटेंसी के खिलाफ नहीं होगा कि उन लोगों को कौन शह दे रहे हैं, तब तक ये मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी। 10 साल हो चुके हैं और मिलिटेंसी पर काफ़ी हद तक कंट्रोल गवर्नमेंट ने किया और मिलिटेंसी भी काफ़ी कम हुई, लेकिन कल भारत के प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ली
और कुछ बुजुर्ग लोगों ने एक यात्री बस पर अटैक किया और 10 लोगों को, 1000 लोगों को मारा। और आज ही मणिपुर के अंदर भी हमारे कुछ एक काफले पर अटैक हुआ, वहाँ भी थोड़ा सा नुकसान हुआ। मैं गवर्नमेंट से ये बिल्कुल अपील करता हूँ, LG और होम मिनिस्टर जी से, ये मिलिटेंट कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, कोई इनके भी जो यहाँ लोग हैं वो लोग इन बना देते हैं, उनको सख्ती से निपटा जाए, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और पूरे घरों को बम्बू से उड़ा दिया जाए जो